हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको प्रीति सिक्योरिटीज़ के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको प्रीति सिक्योरिटीज़ के बारे में बताते, तो बेसिकली ये बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल्स में इंगेज्ड है। तो ये एक जो ग्रे क्लॉथ होता है, जो वाइट कलर का क्लॉथ होता है, तो वो लोग ये भिवंडी से लाते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चर करते हैं, उस पर प्रिंट करते, डाई करते, एंड उसके बाद वो सूरत हो गया और फिर से महाराष्ट्र हो गया, वहाँ वहाँ पर ये लोग फिर से सेल करते हैं। तो ये प्राइड इंडस्ट्री के नाम से इनका जो कपड़ा है वो जाना जाता है और ऑल ओवर इंडिया ये उस ब्रांड के अंदर ये सेल करते हैं। तो ये टेक्सटाइल का काम तो करते ही है, उसमें ट्रेड तो करते ही है, लेकिन साथ ही में ये सिक्योरिटीज़ में भी ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर बता दें कंपनी डेटा, तो मार्केट कैप अगर आप देखोगे इस कंपनी का, तो 7.16 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो छोटी सी कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखोगे तो 231.62, लेकिन कंपनी का पी 5.41 है। तो ये आपको इंडस्ट्री के पी से प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो उसके पी से काफ़ी कम प्राइस पे मिल रही है, और बुक प्राइस भी अगर आप देखोगे तो 0.85 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है। मतलब जो बुक वैल्यू इसकी 22.41, उससे भी कम प्राइस में आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज अगर आज के देखोगे तो 100% है, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। अब यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं, तो जैसे कि इसके जो पास्ट ईयर्स है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो हर साल यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पर 2018 और 19 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर 20 करोड़ 78 लाख और 22 करोड़ 77 लाख तक आ गया। 2020 में यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीमेंट हुई कंपनी के रेवेन्यू में, दैट इज़ 18 करोड़ 6 लाख 66 लाख, मतलब 4 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ हुआ। लेकिन 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू वो फिर से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 20 करोड़ 39 लाख। जैसे कि आपको पता ही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ा डाउन था यहाँ पर, लेकिन कंपनी ने समहाउ यहाँ पर रिकवर किया। और 2021 में जो कंपैरिजन करें अगर 2020 से, तो अच्छा रिजल्ट दिया है। और प्रॉफिट्स के साथ, जैसे कि कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 84 लाख का हुआ करता था, और 2021 में 1 करोड़ 28 लाख का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट किया है। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब यहाँ पर ऐसा है कि ज़्यादातर पैसे उन्होंने शायद इनके टेक्सटाइल से नहीं अर्न किया होगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाइक बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी या बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, क्योंकि ड्यू टू द पेंडेमिक लॉकडाउन, उन वजह से यहाँ पर लोगों के माल जो है वो अटका पड़ा था। लेकिन साथ में जो स्टॉक मार्केट है जो फॉल हुआ था उसके बाद जैसे कि ऊपर आया, तो ये सिक्योरिटीज़ में भी ट्रेड करते, तो उनसे भी इन्होंने पैसा अर्न किया होगा और टेक्सटाइल से भी इन्होंने अर्न किया है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 33.18% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास 1.75% का स्टेक है, और रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, दैट इज 65.08% का स्टेक यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं जिनके पास 51% का स्टेक होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, बहुत कम स्टेक यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। अब यहाँ पर रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो सेल्स था वो 6 करोड़ का था, जून में यहाँ पर 3 करोड़ का सेल्स था, और सितंबर में यहाँ पर 5 करोड़ का सेल्स था। तो अगर हम सिर्फ है ना ये ईयर का देखें तो यहाँ पर कंपनी ने अभी तक सिर्फ 8 करोड़ का सेल्स किया है, और जबकि पिछले साल इन्होंने 20 करोड़ का सेल्स किया था 2021 में। तो अगर उस सेल्स को उन्हें बूस्ट करना है या उससे मतलब उससे ज़्यादा उनको करना है, तो कम से कम इनको 13 से 14 करोड़ का सेल्स और करना पड़ेगा, तब जाके वो उसको टक्कर दे सकते हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट तो यहाँ पर 0-0 है, मतलब कंपनी ने यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर अगर कंपनी को प्रॉफिट में आना है तो यहाँ पर प्रॉफिट भी दिखाना पड़ेगा।
तो रेवेन्यू स्टेटमेंट भी यहाँ पर इतना अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना कंपनी ने रेवेन्यू किया। अगर कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू कर रही है देन ये शेयर आपको रडार पर रखना चाहिए। अभी मैं आपको आगे यहाँ पर और भी फंडामेंटल्स के साथ बताऊँगी। रिटर्न रेशियोज़ की बात करें तो 2019 में जैसे कि 11.36% का जो रिटर्न ऑन इक्विटी था विच इंक्रीज टू 15.19%, तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी भी बड़ा है और ROCE भी बड़ा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट्स। क्योंकि ये सब क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है और रिटर्न रेशियोज आर डिपेंड ऑन प्रॉफिट, तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो उस वजह से यहाँ पर जो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जो पैसा लगाया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर 15% से ऊपर कोई कंपनी रिटर्न देती है तो वो एक बढ़िया होता है। तो यहाँ पर 15.19% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। ROCE की बात करें तो कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, कितना अच्छे से यूज़ किया जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। 15.08% का यहाँ पर 20.18% हो गया और रिटर्न ऑन एसेट्स भी 12.37% हो गए, तो कंपनी के यहाँ पर रिटर्न तो अच्छे खासे दिख रहे हैं। लेवरेज की बात करें तो यहाँ पर डेट कंपनी के पास है ही नहीं, यहाँ पर 0-0 है। मतलब कंपनी के पास जो बड़े डेट होते हैं लोन्स वगैरह वो नहीं है, सिर्फ जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो हर कंपनी के पास होते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, ये डेटा यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है यहाँ पर 22.10 और 5 ईयर में बात करते इसने 268.42% का रिटर्न दे चुका है और आज ये 19.10 पे इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 4.95% अप था, 0.90 रुपीज अप था ये शेयर। तो ये शेयर में आप लाइक निवेश कर सकते हो, मतलब उतना ही रिस्क लीजिए जितना आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या फिर ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स में, अगर आपको जितना रिस्क आपको मतलब जैसे परवड़ता है आपको उतना ही रिस्क लेना चाहिए, लेकिन ये शेयर में आप बुलिश रह सकते हो क्योंकि मतलब आप जैसे देख सकते हो मतलब कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी था। हाँ ये क्वार्टर्स में बात करें तो प्रॉफिट नहीं था इन कंपनी, लेकिन नेक्स्ट आने वाले क्वार्टर में कंपनी शायद प्रॉफिट दिखाए, तो आप इस शेयर को अपने रडार पर रख सकते हो। और अगर आपको इसमें निवेश करना है सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि क्या बोलते हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बढ़ना बाकी है या फिर वो अभी ऊपर जाएगा, तो जब वो रैली आएगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो ये स्मॉल कैप स्टॉक्स भी टेक्सटाइल के जो स्टॉक्स होते हैं उनमें भी रैली आएगी, वो भी शेयर्स ऊपर जाएंगे, तो उसके लिए अगर आपको लाइक तो आपको उस वजह से आपको इस शेयर में निवेश करना है तो भी आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो। आपको सिर्फ गेन्स के लिए निवेश करना है तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।